अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त डी आई वाई हेयर से रिलेटेड, और ये बहुत ज़बरदस्त हेयर मास्क है जिसको आप जब लगाएंगे तो आप जो है महंगी से महंगी प्रोडक्ट्स जो है लगाना भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए आपको बहुत ही जो है कम खर्च में जो है ये आपका ज़बरदस्त जो है मास्क जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसके लिए आपने लेनी है जी तीन चीज़ें। एक तो आपने लेनी है मायोनीज़, एक लेना है एग, और उसके साथ लेना है आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स, विटामिन ई प्लस एलोवेरा कैप्सूल। ये विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वह आसानी आपको मार्केट में जो है वो मिल जाएंगे। ये पूरी बॉटल जो है आपको 120-130 की रेंज में जो है वो मिल जाएगी। और ये विटामिन ई आपने कह के लेने हैं कि विटामिन ई प्लस एलोवेरा। तो ये तीनों चीज़ें जो ये हो गई, मायोनीज़ हो गया, एग हो गया और विटामिन ई के कैप्सूल्स हो गए। अब ये जो मास्क आपने बनाना है ये जो है डिफ़र करता है फ्रॉम के आपके बालों की लेंथ क्या है। शॉर्ट हेयर्स अगर आपके हैं तो आपको जो है वो विटामिन ई के जो है कैप्सूल जो हैं 4 to 5 लेने हैं। अगर आपके बालों की लेंथ जो है लंबी है तो उसके लिए तकरीबन आपको 7 से 8 जो है कैप्सूल जो हैं चाहिए होंगे। तो ये देखें, ये कैप्सूल जो है इस तरह के डिफरेंट कलर्स में आते हैं, ज़रूरी इस कलर में हों। ये ग्रीन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, इस कलर के भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये विटामिन ई के ही कैप्सूल जो हैं वो होने चाहिए। अब मैंने क्या किया था, इन तीनों चीज़ों को जो है विटामिन ई के कैप्सूल्स को और मायोनीज़ को और एग को, उसके साथ अगर आप अगर आप बनानास ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन टेक 2 बनानास। इन सबको आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है और इस तरीके का मिक्सचर जो है वो आपके सामने जो है आ जाएगा। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे ऑन हेयर्स। तो एप्लीकेशन के लिए आपने इसको अप्लाई करना है फ्रॉम रूट्स टू एंड तक, आपने इसको अप्लाई करना है बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम रूट्स लेकर एंड तक जो है बालों की ऑयलिंग करते हैं, उसी तरीके से आपने जो है इसकी जो पोर्शंस हैं बालों के वो बना लेने हैं। इसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपने थोड़ा थोड़ा करके जो है इस मिक्सचर को जो है बालों के ऊपर जो है अप्लाई कर देना है। और अच्छे तरीके से जब बालों के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपने इसको जब पूरे बालों पे अप्लाई कर लिया तो इसको आपने बालों को अपने टाई कर लेना है विद द हेल्प ऑफ अ हेयर बैंड, या आप कैचर की मदद से जो है आप इसको जो है बालों को टाई कर सकते हैं। मैं इसको लगाऊंगी जी 3 आवर्स के लिए। आप इसको 2 से 3 आवर्स के लिए जो है वो लगा सकते हैं और आपको बहुत ज़बरदस्त जो है इसके रिज़ल्ट जो है मिलेंगे। अब मैंने बालों को जो है वो टाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ कैचर। तो इसके बाद जी हम एक साफ़ सुथरा सा शॉपर लेंगे। आप जो है वो हेयर कैप जो मिलती है वो भी आप जो है वो ले सकते हैं, बट दोनों का काम एक ही है। ये देखें जी, मैंने 2 आवर्स के बाद बालों को जो है जब वॉश किया तो इसका रिज़ल्ट देखें, बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका रिज़ल्ट है। बालों की शाइन चेक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।